ये भी इसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, ये इस तरीके से लाइटें चेंज होती रहती हैं खुद ही, दूसरी भी आती रहेंगी साथ साथ, दूसरी चेंज होती रहेंगी खुद ही। बड़े बड़े फंक्शंस हैं इसके अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ DRL के लाइटें चेंज होती हैं, बाकी अंदर रिंग के लाइटें चेंज नहीं होती। उसके लिए वो फिर आपको रिंग बनवाना पड़ता है अलग से, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, आज चौथा रोज़ा है। ये हमारे भाई बोनट खोल रहे हैं नाकाम। तो भाई बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे, जिसकी बेस पे मैंने कहा चलो आज हम वीडियो बना ही लेते हैं, कि जो आगे हेडलाइटों का था और काफ़ी लोग एग्जॉस्ट की साउंड सुनने के लिए कह रहे थे। अब रमज़ान में मुझे लोगों को तंग करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो मैं आपको दिखाता हूँ सारा कनेक्शन वगैरह सारा कुछ क्या हुआ है बीच में और कहाँ से मैंने परचेज़ किया सारा मैं आपको दिखाता हूँ। चले मैं आपको लेकर चलूँगा। तो जी सबसे पहले तो ये जो लाइट्स मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से ऑन करके, तो जी ये लाइट्स जो लगी हुई है ना यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप रिंग, जो काफ़ी लोग कह रहे थे रिंग का इशू था। ये लाइट थोड़ी सी मेरी ब्लर हुई हुई है, ये देख सकते हैं, ये है मेरा नियॉन लाइट की है। ये देखो अभी तक रिंग जो है मेरा सलामत है। ये वाला शेड थोड़ा सा पिघल गया होगा आई थिंक, ये हाँ ये देखो ये थोड़ा सा पिघल गया होगा, बाकी तो बाकी पूरा रिंग मेरा बिल्कुल सही, इतनी मर्जी हीट हो ये पिघलता नहीं है, ये नियॉन लाइट्स का है। और ये जो लाइट्स इसके अंदर बनी हुई है, ये साइड पर आप देख रहे होंगे, ये साइड पर जो थोड़ा सा वो है, ये जो है BMW का रिंग है जिसके अंदर रख के मैंने ये बनवाया। अगर आपको बड़ा रिंग चाहिए होगा तो आप अंदर बाहर से भी करके इस तरीके से बनवा सकते हो। और जो इसका कनेक्शन है तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैंने ये किया भाई। ये देखें ये दूसरी लाइट है जो कायर की LED लगवाई हुई थी मैंने, इसकी ज़रा एडजस्टमेंट ख़राब हुई है, और बाकी जो दूसरी थी उसकी ये देखें, ये मैंने पार्किंग लाइट की तरह, ये पार्किंग लाइट के साथ इसका कनेक्शन किया हुआ है। ये जो नीचे लाइट है ठीक है, जो जहाँ से आपकी पार्किंग लाइट की वो ऑप्शन वो जा रही थी ना तार, जहाँ पर आपकी पार्किंग का वो लगा होता है, पार्किंग बल्ब जहाँ पर लगा होता है, आप उसको वहाँ पर जाके ये देखें ये वो हाँ ये रिले की तभी पार्किंग के साथ उसका कनेक्शन करना होता है। ये फर्स्ट लाइट होगा जो आगे की लाइट, अब ये चेंज भी हो जाती है, इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। अब ये इसी मोबाइल से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, इसी से मैं चेंज नहीं कर सकता आपके सामने ही है ये सारा कुछ, ये सारी लाइट्स वगैरह ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ना, ये सारी लाइट्स हो गई। अब ये चेंज भी होती है, मैं चेंज भी करके दिखाता हूँ आपको। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये हुआ है मोबाइल की ऐप के साथ कनेक्ट। और ये जो है DRL जो है ना, सिर्फ और सिर्फ यही मोबाइल के ऐप के साथ कनेक्ट होते हैं, बाकी अगर आपने ये रिंग भी इसी में बनवाना है DRL या उसके ये नियॉन में लाइट्स का भी आता है ना वो ऑप्शन, तो ये देखें ये मैं यहाँ से ऑपरेट करूँगा इसको, यहाँ से चाहे मैं कौन सी मर्जी लाइट लगा दूँ। अब ये ज़्यादा ज़रा अच्छी लगती हैं रात के अंधेरे में, इसको कम ज़्यादा जैसे मर्जी कर सकते हैं। इसके अंदर फंक्शंस भी हैं, ये मैं आपको फंक्शंस दिखाता हूँ। अब ये फंक्शंस के मैंने वो लिस्ट खोली है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अब ये खुद ही जो है वो लाइटें शाइटें चेंज करेगी। अभी ये दिन का टाइम है थोड़ा सा, ये रात के मैं भी आपको दिखा दूँगा सारा, ये खुद ही जो है वो लाइटें चेंज करता है DRL अपने हिसाब से। मैंने तो भाई इसको किया हुआ क्या कहते हैं उसमें, अपने हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट किया हुआ उसके अंदर रेड में ही, क्योंकि वो रेड में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भाई मैंने कहा था मैं रात के टाइम जो है इसकी लाइटें जला के दिखाऊंगा, अभी मैं आपको जला के दिखाता हूँ। मेन जो लॉक हो गया हाँ, अभी इसकी लाइटें जला के दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का व्यू इसके अंदर नज़र आता है ना। बाकी तो नीचे से सिर्फ यही एक जल रही है, बाकी पीछे की एक जल रही है बस, बाकी वो ख़राब हो गई थी पैर में आती रहती ना, तो ये देखें भाई कि अब ये लाइटें हैं, देखें रात का टाइम किस तरीके की लगती है, बाकी चेंज भी होती रहती हैं ये।
तो ये भाई आप फ्रंट से लुक देख रहे हैं ना कि अब ये रिंग है मेरे कोई भी पिघला हुआ नहीं है। अभी ये जो पिघला हुआ रिंग सुबह के टाइम मैंने आपको दिखाया था, ये देख सकते हैं उसकी हालत भी, कि कोई रिंग नहीं पिघला हुआ मेरा। मुझे बड़े कमेंट्स भी आए थे, लोगों ने कहा था कि रिंग पिघल जाता है। ये देखें ये रिंग है, ये देख लो भाई, कोई रिंग नहीं पिघलता। ये सिर्फ वो दूसरे वाले रिंग होते हैं जो पिघल जाते हैं। दो आप लाइट ऑन करो था दूसरी। अब ये कायर के जो बल्ब लगे हुए ये भी देख सकते हैं, इनकी रोशनी भी मैं आपको दिखा दूंगा ना, तो इस लिहाज से, लेकिन जब आप लाइट जलाएंगे तो फिर आपकी इस लिहाज से ना आपकी ये जो लाइट है वो कम हो जाएगी। बंद करो, एक बंद करो, हाँ ये देखें, बाकी बंद करके दोबारा ऑन करो ये वाली। बाकी इसकी लाइटें चेंज होती रहती हैं यहाँ से, ये देखें लाइटें भी चेंज होती रहती हैं, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ अभी। अभी इसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, ये इस तरीके से लाइटें चेंज होती रहती हैं खुद ही, दूसरी भी आती रहेंगी साथ साथ, दूसरी चेंज होती रहेंगी खुद ही। बड़े बड़े फंक्शंस हैं इसके अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ DRL के लाइटें चेंज होती हैं, बाकी अंदर रिंग के लाइटें चेंज नहीं होती। उसके लिए वो फिर आपको रिंग बनवाना पड़ता है अलग से, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप भाई, ये रिंग का हिसाब है, ठीक है ना। DRL की लाइटें सिर्फ चेंज होंगी, बाकी रिंग की लाइटें चेंज नहीं होंगी। ये मोस्टली फंक्शन ये चेंज होते रहते हैं इसके अंदर की अपने हिसाब से वो, ये अगर आपने इस तरीके से लगानी तो आप इस तरीके से चेंज करते रहेंगे इसके बार बार, अगर नहीं करनी तो बिल्कुल सिंपल आप रेड रहने दें। रेड बिल्कुल ज़्यादा क्लासिक लुक देता है इसकी, ये देखें ये रेड की लुक एक अलग ही होती है, ठीक है ना। ये भाई आप सारी लुक चेक कर सकते हैं, बस मैं आपको दिखा दूँ पीछे से जब स्पॉइलर की लाइट जलती है, इसका कनेक्शन हमने इस लाइट के साथ किया है कि जब ब्रेक दबेगी फिर उसके बाद जो है उसकी लाइट चलेगी स्पॉइलर की, ये ऊपर वाली लाइट। बाकी ये सारा कुछ चलो आ जाओ आप बंद करके। तो जिस तरह की ये सारी मैंने वीडियो बना के दिखाई है, मैं दिखा देता हूँ कि पार्किंग की जो लाइट होती है ना, जो आपकी यहाँ से गाड़ी की पार्किंग की लाइट होती है, वो आपने ये पहले सबसे पहले तो खुलवा के, जिसकी वजह से मेरी ये देखो ये सारी जो है लाइटें ख़राब हुई हैं अभी भी, तो ये जिसकी वजह से ये सारी मेरी लाइटें जो हैं अंदर से जो लगी हुई है ना DRL और सारा, ये सबका कनेक्शन जो है मैंने पार्किंग से किया है। पार्किंग की लाइट यहाँ से वो देखें ये नीचे लगी होगी, ये मैंने उसके इसका जो क्लिप है वो उतार दिया ताकि जो इसकी लुक ख़राब ना हो, ठीक है। पार्किंग के साथ आप लोगों ने इसका करना कनेक्शन, पार्किंग की थोड़ी सी वायर की वो उतारेंगे तो आपका ये जो है वो कनेक्शन जो है वो इसके साथ फिक्स हो जाएगा। तो जैसे ही आप अपनी पार्किंग की लाइटें ऑन करेंगे, ये दिखाता हूँ मैं आपको पार्किंग की, जैसे ही आप लाइटें ऑन करेंगे ये देखिए बंद हो गई और ये ओपन हो जाएगी। और ये वाइट जो कायर की मैं आपको बताया था एडजस्टमेंट मेरी थोड़ी सी ख़राब हुई है, ये इसकी हीट भी होती है लेकिन ये किसी भी तरीके से ये नियॉन लाइट है ना तो ये पिघलती नहीं है इसके अंदर। मुझे बाकी दूसरी प्लास्टिक की होती हैं ले लो तुम पंगा ले लो इसमें बाकी जो प्लास्टिक की वो दूसरी लाइट होती है वो बहुत जल्दी पिघल जाती है, वो आप तकरीबन कोई लॉन्ग रूट में भी जाएंगे ना आपका ये दोनों साथ जल रहा होगा तो वो आपका पिघल जाएगा पूरा, उसी तरीके से आपकी पूरी लाइट पिघल के जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मेरी ये जो एक भैया वाली है ये आप देख सकते हैं इसकी थोड़ी सी पिघली है लेकिन चली अभी भी रही है, ये डिम नहीं हुई, बंद करी जरा एक मिनट, डिम ये अभी भी नहीं हुई बिल्कुल, अपने रिंग ख़राब नहीं किया बिल्कुल भी, लाइट पूरी गोल ही है, ठीक है। और ये DRL अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लें जैसे आपको जो हो जो उनसे लाइट पसंद आएगी, ठीक है। बाकी ये बोनट बन गई, बाकी ये अभी आपके भाई ने सारा मैकेनिक बना हुआ था, सारा काम शाम करने कराने के बाद ये फारिग हूँ ये देख सकते आज हो जाएगा, ये गुस्से में तूने किया यकीन वहानी तूने मेरा सब बदला लिया। तो जी ये वायर अब मैं लेके जाऊंगा ऊपर, ये मैंने जो अपने इस गाड़ी के अंदर जो काम शाम किया था थोड़ा सा वो मैंने उसको फिक्स किया, नहीं तो रहने दे मेहरबानी तेरी, नहीं 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 नहीं। और तो बाकी जो लोग मेरे से एग्जॉस्ट का पूछ रहे थे, एग्जॉस्ट का भी मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ, पार्किंग की लाइट बंद कर दे, ये हमारा एग्जॉस्ट लगा हुआ है HPS का, ठीक है। इसकी आवाज़ भी मैं अभी सुनाता हूँ, काफ़ी लोग मुझे इसकी आवाज़ का भी कह रहे थे, ये चैनल आपने मेरा सब्सक्राइब लाजमी से करना है, ठीक है ना। और बाकी की जो मॉडिफिकेशन है मैं बनाना स्टार्ट करूंगा वीडियो पर, रमज़ान की वैसे थोड़ा सा बिजी होने की, एग्जॉस्ट की भी वीडियो मैं आपको अभी सुनाता हूं। ये सारी चीज़ें जो मैंने परचेज़ की थी वो की थी मकलोर रोड लाहौर दिमका प्लाजा वाली साइड से, आपको पता ही होगा उस जगह का, जो जो लोग लाहौर में रहते हैं
उनको तो इस जगह का पता ही होगा, वो लोग वहाँ से सामान वगैरह भी खरीदते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पे बनवाई थी ये खुद ही जो है लाइट, मैंने खुद बनवाई थी नियॉन के अंदर, नियॉन के अंदर मैंने ये लाइट बनवाई थी। मैं आप देते हैं, फिर से हुआ है ना, रमज़ान है तो रात के अंदर भाई ये लुक अच्छी देते हैं। तो भाई लास्ट में अब हम आपको उसकी सुनाते हैं थोड़ी सी आवाज़ भी, जो आवाम कह रही थी मुझे, जिसकी बड़ी फरमाइश आई थी। एवरेज में यार कोई इतना इशू नहीं आता, जब आप ज़्यादा स्पीड में चलाते हो या ज़्यादा रेस देख के चलाते हो ना, जब ज़्यादा रेस से देते रहते हो आवाज़ सुनने के लिए, तो जाहिर सी बात है जितनी आप RPM हाई करोगे उस हिसाब से आपको पेट्रोल भी ज़ाया होगा, क्यों भाई? बिल्कुल राइट, तो नहीं पता, कुछ नहीं पता इसको, बिल्कुल राइट। अभी मैं गलत बोल देता ना इसमें तब भी कहना बिल्कुल राइट। ये होते हैं दोस्त, जो लड़का तो दोस्त गलत भी बोल रहा हो तब भी कहते हैं हाँ ठीक है राइट। साथ देना चाहिए ना, तो थोड़ी कहते हैं यार। चल जरा वीकेंड, तो जो लोग मुझे कह रहे थे एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनने के लिए, जो बंदे डिमांड कर रहे थे, अब मैं उसकी एग्जॉस्ट की आवाज़ ही बनाता हूँ, पीछे जाके खड़े हो जाए ताकि एग्जॉस्ट की आवाज़ सही आए। मैं करता हूँ सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट, आवाज़ आपने सुन ली है। ये भाई कुछ कह रहे थे, ये आवाज़ के ऊपर कोई कमेंट कर रहे थे, क्या कह रहे थे आप? जो मज़ा होने खाने में, ये बा वो वाले लोग होते हैं जिसको पता ही है आप रमज़ानों में मैं क्या ही बोलूं। भाई एग्जॉस्ट की आवाज़ आपने सुनी है सारी आवाज़। मैं ज़्यादा इस वजह से मैंने रेसे नहीं दी, क्योंकि मैं इस टाइम खड़ा हूँ घर के आगे, तो आवाम ज़रा फिर वो डिस्टर्ब होती है, कोई सो रहा हो अगर इस तरीके से रोज़ा अपना छोड़ के इस तरीके से सो रहा हो तो ज़रा मुश्किल होती है। फिर यार रोजा रख के, रोजा रख के अगर सो रहा हो, रोजा रख के अगर सो रहा हो ना वो, यानी कि इसकी मैं कह देता हूँ सारी बातें छोड़े, इसकी वर्गी आवाम जो रोजा रख के नमाज नहीं पढ़ती ना, कहने का मकसद मेरा ये था, इसकी वर्गी आवाम ना फजर भी पढ़ के हैं, ज़ोर भी पढ़ के हैं, असर के कौन पढ़ेगा, असर से जाने नहीं हुई है। अच्छा तेरी नमाज पढ़ने जाना है तो भाई। बाकी अगर आपको हमारा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बाकी और मेरे दूसरे व्लॉग्स देखने के लिए। अभी भी रोज़ा है, मैं जाता हूँ अपने घर। बाकी जो अगर कोई भी चीज़ की डिमांड आपने पूछनी होगी, किसी भी चीज़ की प्राइस वगैरह किसी के लिहाज से वीडियो सीडियोज बनवानी होगी, बाकी मैं और भी मॉडिफिकेशन की करूँगा तो उसकी वीडियो साथ बनाता रहूँगा मैं। बाकी जो अंदर की लाइट है ये मेरी, बाकी दो वो ख़राब हो गई थी, ये वाली मेरी अभी तक जल रही है ठीक है। ये भी मैं, ये इसका कनेक्शन भी जो है वो सेम पार्किंग लाइट्स के साथ है, वो मैंने किया है यहाँ से, इसकी जो लाइट निकाल के ना यहाँ से पीछे से इसकी तार आ रही है, ये मैंने पीछे कर दी इसके, वो इसकी जो लाइट जलती है ना यहाँ की, वो उस लाइट के साथ कनेक्शन किया हुआ है ठीक है। इसको निकाल के, ये जो तार निकाली थी इसको निकाल के इसका कनेक्शन इसके साथ किया हुआ है। प्राइस पूछनी होगी किसी भी मॉडिफिकेशन के लिहाज से, आपका कोई सवाल होगा या किसी भी लिहाज से, आप बेझिझक होकर नीचे कमेंट डालें, नीचे कमेंट करें तो मैं उसका आपको रिप्लाई उसी टाइम ही दे दूंगा। परेशान नहीं होना, आपने किसी भी चीज़ की कोई चीज़ पूछनी होगी मेरे से या वीडियो शीडियोज़ के हवाले से आपने करना होगा तो मैं प्रॉपर आपको वीडियो बना के प्रॉपर समझा भी दूंगा किस तरीके से, कि अगर आपने बाहर जाके पैसे खर्च नहीं करने ना, मॉडिफिकेशन अपने पास में साल लिहाज से अपने हिसाब से करनी है तो मैं आपको वो भी बता दूंगा किस तरीके से की जाती है वो ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपकी और भी वीडियो शीडियोज़ बनाऊँगा तो उसकी भी जो है वीडियो नीचे मैं साथ मैंशन कर दूँगा, तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है। तो आपने लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा देना ताकि जैसे ही ये वाली वीडियो में डालूँ आपको, जैसे ही अगली कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख सको ठीक है। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मैं जा रहा हूँ, रोज़ा लग रहा है भाई को आपके, तो अब घर जाऊँ, नमाज का टाइम हो गया, वैसे भी नमाज का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़े जाके। तो अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।